जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार जगह पे, जहाँ पर आपको साक्षात महावीर बलि बजरंग बलि के दर्शन होंगे और साथ में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक व्यू। हम आपको लेके आए हैं राहतगढ़ के लखीरा धाम पर, जहाँ पर आप साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और हम आपको दिखा सकते हैं कि कितना शानदार व्यू है यहाँ से। राहतगढ़ वाटरफॉल और लखीरा धाम पर ये संगम आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं, पीछे आपको दिखाएंगे पथरीगढ़ के महाराजा का किला, ज्वाला सिंह जी का। दोस्तों, हम आपको जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि राहतगढ़ में हम आपको महाराज ज्वाला सिंह जी का जो किला है उसको भी आप दूर से दिखाते हैं। कभी मौका लगेगा तो हम किले को रूबरू करके आपको दिखाएंगे। आपको दिखा सकते हैं किले का शानदार नज़ारा। आप देख सकते हो कि जो बहुत ही हाइट पे है, क्योंकि इसको पहले पथरीगढ़ का कहा जाता था और पथरीगढ़ के महाराजा ज्वाला सिंह जी ने इस किले का निर्माण करवाया था। आपको उधर उस जगह के दर्शन करा सकते हैं। आप देख सकते हैं उस जगह को कहते हैं फांसीगढ़। वहाँ से फांसी दी जाती थी, कोई अगर जैसे कि कोई किसी को कोई पनिशमेंट दिया जाता था तो वहां से उसको लटका दिया जाता था। उस आप दूर से देख सकते हो उसको किले पे। कहते हैं कि पहले ये पूरा एक पथरीला इलाका हुआ करता था, इस वजह से इसको पथरीगढ़ का नाम दिया गया था। आप कभी भी आए बारिश के मौसम में यहाँ पर आए तो आपका ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार, आप चारों तरफ थोड़ा कैमरे को करके दिखाइए कि ऐसा व्यू देखने को आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कुल्लू मनाली हुआइए, आप कश्मीर हुआइए कश्मीर में, लेकिन जो ऐसा व्यू है आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको राहतगढ़ वाटरफॉल दिखेगा। वो वाटरफॉल जबलपुर के भेड़ा घाट से भी दुगना है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर अगर आपको वाटरफॉल का देखना है और ऐसा अद्भुत नजारा देखना है तो राहतगढ़ में एक बार आप जरूर आइए और जरूर आकर के इस शानदार व्यू का लाभ उठाइए। यहाँ पर बहुत सारे आपको पुराने मंदिर। और किला उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर से जरूर एक बार राहतगढ़, जिसका पुराना नाम पथरीगढ़ था, आइए और यहाँ के एक बार दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय श्री राम।